मॉक ड्रिल चल रही है यहाँ गेट नंबर 7 पर, मेट्रो का 7 नंबर गेट है, वहाँ मॉक ड्रिल चल रही है। ये जो आठ के लिए मॉक ड्रिल है, जा सकते हैं, चल रही है। नहीं सर, गेट संख्या 8 उधर सर, गेट नंबर। और ये बंद करके यहाँ पर इधर नहीं जा सकते सर, वो आगे गेट से ये लोग क्या करेंगे फिर ये देखना है। ये यहाँ किसी को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि आज 3 तारीख है और आज ये मॉक ड्रिल की जा रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मॉक ड्रिल है वो बिना पब्लिक के कैसे होगी। यानी आपने मॉक ड्रिल कर ली, मॉक ड्रिल में आपने पाया कि अगर कहीं पर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो हमें क्या बिहेव, कैसे बिहेव करना है, हमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई संदिग्ध पार्ट है तो उस पर कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें तो हमने देख ली, पर आप बिना पब्लिक के कैसे करेंगे? मतलब खाली जगह में तो क्या मॉक ड्रिल होएगा? मॉक ड्रिल तो तब होएगा जब पब्लिक ही हो वहाँ पर, और तब आप ऐसा करें और तब कंट्रोल करके दिखाएं। जब असली हालात आएंगे तब थोड़ी ये मॉक ड्रिल काम आएगी। ये मॉक ड्रिल है, यहाँ पर भी कुछ जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, गेट नंबर 8 है ये मेट्रो का, आप देखिए। तो इसको आप ट्रेनिंग का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि इसको आप मॉक ड्रिल नहीं मान सकते। मॉक ड्रिल में तो आपको उन्हीं हालातों को क्रिएट करना होता है जिस तरह के हालात होते हैं, और पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी ये बात तो पब्लिक ही बताएगी। ये आपने अगर कंट्रोल्ड एक पोजीशन पे किया तो ये आप अपने लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर पब्लिक में एक दहशत का माहौल बना रहे हो अगर ऐसा होना हो रहा है तो। और मॉक ड्रिल अदरवाइज आपको एक दिन रखना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि मॉक ड्रिल होती है, ताकि पब्लिक डरना बंद करे। वर्दी वालों को देख के वैसे ही लोगों की हवा निकल जाती है यहाँ पर तो। सो इसलिए सजेशन ये है कि ये ट्रेनिंग वाला पार्ट आप, ये तो सेट जो जैसे फिल्मों वाले सेट बनाते हैं अपने सेट में, अपने घर में कर लीजिए जैसे मर्जी, और वहाँ पर इसको कार्रवाई कीजिए। इसके बाद देखा फिर हमने एयरपोर्ट के ऊपर भी वही ट्रैकिंग, इसी तरह का जो एक मॉक ड्रिल होते हुए, और फिर उसकी वीडियोस नहीं बनने दी, तो उसके अंदर भी यही सब चल रहा था। मतलब कि मॉक ड्रिल, मॉक टेस्ट चल रहा है अभी, आप लोगों के साथ क्या होने वाला है इसकी एक ट्रायल। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आप लोगों की बहुत चिंता है सरकारों को, ये जो आतंकवादी हमले होते हैं अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो 9/11 का हमला हुआ, जितने कश्मीर में आतंकी हमले हुआ करते थे, और जो अब देश के अंदर हालात बन रहे हैं, ये केवल पब्लिक को, जनता को कंट्रोल करने के लिए बन रहे हैं। आतंकवादियों का नाम लेकर के आप लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन वाले सॉफ्टवेयर वाले बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरास फिट करने हैं इनको, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट्स पर। उसका पर्पस भी आतंकवादी नहीं है, उसका पर्पस भी अपराधी नहीं है। अपराधियों को तो संरक्षण दिया जाता है, वो तो संसद में बिठाए जाते हैं। अभी देखो ना, ब्रजभूषण के बेटे को भी टिकट दी गई है, और बाकी इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि अपराधी तो राज कर रहे हैं अपने ऊपर। तो जनता को दबाने के लिए ऐसे नियम और कायदे कानून लाए जाते हैं कि उनके लोग कुछ बोलने लागे। जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, अब वो या दूसरे क्रांतिकारी हैं, वो लोग सरकारों से कैसे टकरा पाए जब वो ट्रैवल कर पाए? तो ट्रैवलिंग एक बड़ा मुद्दा रहता है, और इनको मालूम होता है कि ट्रैवल करेगा बंदा तो ही सब चीज़ें जनता के सामने ला पाएगा और लोगों से मिल पाएगा। तो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस रहे मैक्सिमम ऐसे लोगों के ऊपर जो जनता को जगाते हैं, इसी के लिए ये सब किया जाता है।